नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के बारे में। LIC के बारे में सभी इन्वेस्टर के मन में सबसे बड़ा सवाल है तो एक ही है, क्या अभी लॉस बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। तो ऐसे में उन सभी इन्वेस्टर के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि LIC के हर एक छोटे से भी छोटे अपडेट हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे पास भी LIC के दो लॉट है और ऐसे में हमें IPO में ही अलॉटमेंट मिला था, उसके बाद अभी तक हमने कुछ एड ऑन नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों, जिस लोअर सपोर्ट पे LIC ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में 650 के लेवल को हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि 650 के लेवल को टच होता है, मार्केट यदि गिरता है, तो 650 पे यदि आप उसे बाय करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए LIC में अच्छा प्रॉफिट बनने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यदि पिछले मार्च क्वार्टर का LIC का रिज़ल्ट यदि देखा जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों, 2331 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा वो आप खुद ही तय कर सकते हैं। तो किसी भी बहकावे में ना आके दोस्तों, LIC में अभी लॉस बुकिंग नहीं करना चाहिए। और आने वाले 1 या 2 ईयर के लिए यदि LIC में आप होल्डिंग जारी रखेंगे तो आपको आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें LIC में लॉस नहीं होगा। जिस तरह की अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी है, मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश मोड में नहीं आया है, तो ऐसे में कुछ दिन के लिए LIC में और भी करेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपको और भी LIC के स्टॉक को बाय करना चाहिए, ये सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे में LIC में दोस्तों लॉस बुकिंग करने की बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 जून क्वार्टर के रिज़ल्ट के बाद दोस्तों LIC में बड़ा धमाका हो सकता है। LIC का स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था कि मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट दोस्तों 2331 करोड़ का है, तो ऐसे में इतनी बड़ी प्रॉफिट जनरेट करने वाले और इस इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से LIC है, तो ऐसे में LIC में होल्डिंग जारी रखना चाहिए। ये हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आपको क्या करना चाहिए वो आप खुद अपनी ही स्टडी के मुताबिक डिसीजन लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू, जय हिंद।